हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियलाइज एकेडमी। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है बटर। बटर के बारे में कुछ चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में एक मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स का, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनका एक ओवरव्यू और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हम देख चुके हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको भी देख के आइए, क्योंकि ऐसा होता है कि डेयरी टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रोसेसेस जो होती हैं एक जैसी होती हैं, एक साथ में चलती हैं। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख के चलेंगे तो आप कनेक्टिविटी बढ़ा के चल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, जो है बटर। बटर में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, इस जो बटर के बारे में पढ़ेंगे इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू लर्न द मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ बटर। हम ये देखेंगे कि कैसे बटर को बनाया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, और फिर कैसे इसकी पैकेजिंग की जाती है ताकि ये सेफ रहे और काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करने लायक रहे। इंट्रोडक्शन। बटर इज अ फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट। इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, उम्मीद है सभी को पता होगा, बटर सभी ने खाया भी होगा, देखा भी होगा, तो इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। जनरली मेड फ्रॉम क्रीम, ये क्रीम से बनता है बाय चर्निंग एंड वर्किंग। चर्निंग प्रोसेस क्या होती है, अगर आप लोगों ने कभी घर में जैसे ये बटर बनाया जाता है वो प्रोसेस देखी हो, तो कैसे कुछ दही जैसा मटेरियल लिया जाता है, फिर उसको एक मुझे नहीं पता आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि मथानी बोला जाता है, उससे आप उसको जो दही होता है उसको चर्न करते घुमाते हैं, इसको चारों तरफ रोटेट करते हैं, तो उसके बाद में जो बटर मिल्क होता है जिसको कि हम मट्ठा बोलते हैं वो नीचे रह जाता है और सॉलिड मास के फॉर्म में ये बटर ऊपर आ जाता है। तो यही जो प्रोसेस होती है इसी को चर्निंग बोला जाता है, और जब ये घर में हो रहा है तो ये छोटे स्केल पे होता है, इसी प्रोसेस को जब इंडस्ट्री में किया जाता है तो ये बड़े स्केल पे होता है और इसी को फिर चर्निंग एंड वर्किंग बोलते हैं। इट कंटेन्स 80% फैट। भाई सारा फैट ही होता है उसमें, 80% तक फैट होता है, विच इज पार्शली क्रिस्टलाइज्ड, एक क्रिस्टल के फॉर्म में ये रहता है। बटर कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क ऑफ काउ, बफेलो, कैमल, गोट, यू एंड मैर्स। देखिए कितने सारे टाइप के कैटल हैं, जानवर हैं, जिनके मिल्क से इस बटर को बनाया जा सकता है। अगला स्टेप होता है फैट इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन द फॉर्म ऑफ क्रीम यूजिंग क्रीम सेपरेटर। एक क्रीम सेपरेटर होता है जिसकी मदद से ये जो बटर बनके तैयार होता है उसको बटर मिल्क से सेपरेट कर लिया जाता है। अब ये जो क्रीम है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। The cream should be sweet. Cream sweet होनी चाहिए, इसका pH may be greater than 6.6. pH 6.6 से इसका ज़्यादा लेना पड़ता है। Not oxidized, ये oxidized नहीं होनी चाहिए। And free from off flavors. Off flavors क्या होते हैं, किसी भी तरीके की जो गलत स्मेल हो, कोई भी गलत तरीके का फ्लेवर हो, उस तरीके का कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए। इन सेंस आप कह सकते हैं जो क्रीम हम ले रहे हैं वो फ्रेश होनी चाहिए, अच्छी क्रीम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो काफ़ी दिनों की है तो उसमें डिग्रेडेशन स्टार्ट हो चुका हो। द क्रीम इज पास्चराइज्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस क्रीम को पास्चराइजेशन किया जाता है, और मोर इससे भी ज़्यादा तक कर सकते हैं, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या कोई पैथोजन अगर इंटर कर गया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। टू डिस्ट्रॉय एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स,
एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन का नेचर हम लोगों को पता है, जैसे ही उसको हाई टेम्परेचर मिलता है वो डिग्रेड होने लगती है। ऐसा ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में भी होता है, हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इनको जब एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलता है तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारा जो फ्रेश क्रीम है वो रेडी हो जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बटर। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ बटर पे। बटर का कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके ये बटर बना है? सो बटर इज प्रिंसिपली कंपोज्ड ऑफ मिल्क फैट, मिल्क फैट होता है, मॉइस्चर होता है, नमी भी होती है बटर में, साल्ट होता है। आप सभी ने टेस्ट किया होगा जो मार्केट से बटर आता है उसमें साल्ट भी ऐड किया होता है। ऐसा नहीं है कि साल्ट इज कंपल्सरी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको ऐड किया जाता है क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है डिग्रेडेशन से भी बचाने में, और इसके अलावा इसमें कर्ड भी होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लैक्टोज, एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, एयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स। मिल्क फैट, मॉइस्चर, सॉल्ट एंड कर्ड के अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कि अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जैसे कि लैक्टोज। अब ऑब्वियसली बात है ये मिल्क से बन रहा है तो मिल्क का जो शुगर है लैक्टोज वो तो प्रेजेंट होगा ही। इसके अलावा एसिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, भाई फैट है, फैट कैसे बनता है? फैट का तो बनना ही फॉस्फोलिपिड से ही हो पाता है। इसके अलावा एयर भी होती है और माइक्रोब्स भी होते हैं, जैसे कि जब आप मिल्क बनाते हैं, जब बटर बना रहे होते हैं तो कैसे बनता है, दही से ही बनाते हैं, तो दूध से दही बनाने में कौन हेल्प करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो करते हैं, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो वो भी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा एंजाइम्स जो कि रिएक्शन को करवा रहे हैं, और विटामिन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बटर में। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं बटर के। जो फैट होता है, फैट सबसे ज़्यादा होता है और ये होता है 80-83% वेट बाई वेट। अगला आता है मॉइस्चर जो कि नमी होती है, वाटर होता है, वो होता है 15.5-16% वेट बाई वेट। बात करें अगर सॉल्ट की, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन या क्वांटिटी होती है 0-3% वेट बाई वेट, और बचता है कर्ड। कर्ड का क्वांटिटी होता है 1-1.5% वेट बाई वेट। अब यहाँ पे ये 0% भी दिया गया है तो यहाँ पे स्टार मार्क किया गया है, उस स्टार का मतलब है स्टार 0% सॉल्ट इंडिकेट्स दैट बटर इज अनसॉल्टेड। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ज़रूरी नहीं है उसमें साल्ट प्रेजेंट भी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐड किया जाता है, लेकिन ये अनसाल्टेड बटर भी हो जाता है। एंड इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। आप देखते हैं जो खाने वाला बटर आता है उसमें आपने ज़्यादातर देखा होगा कि उसमें प्रेजेंट ही होता है सॉल्ट। आप कभी भी मार्केट से ही बटर का टिक्की आता है खरीद के खाइए, उसमें आपको सॉल्ट मिलेगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ बटर पे। बटर का प्रोडक्शन कैसे होता है, बटर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कंपोजिशन है, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट है, ये सब हमने देख लिया है। अब हमारा मेन एम होगा कि इसका प्रोडक्शन पढ़ना, इसको इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, क्या प्रोसेस यूज़ की जाती है इसके प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ क्रीम। सबसे पहले क्रीम को प्रिपेयर किया जाता है, उसको इस लायक बनाया जाता है ताकि उसे बटर को बनाया जा सके। सो कमर्शियल बटर कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बोथ स्वीट एज वेल एज कल्चर्ड क्रीम। स्वीट क्रीम और कल्चर्ड क्रीम दोनों से ही बटर को बनाया जा सकता है। क्रीम शुड बी न्यूट्रलाइज्ड, देन एडजस्ट द फैट परसेंटेज ऑफ क्रीम टू 35-40%।
अब क्रीम को पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके बाद में इसके फैट को 30-40% तक एडजस्ट कर लिया जाता है। नाउ हीट द न्यूट्रलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड क्रीम टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड एंड कूल इट टू 9 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले अब ये जो न्यूट्रलाइज्ड क्रीम है इसको हीट किया जाएगा अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये बहुत कम समय के लिए होगा, 15 सेकेंड के लिए होगा। और हीटिंग के बाद में इसको तुरंत कूलिंग की जाएगी और टेम्परेचर को डाउन किया जाएगा अप टू 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा रैपनिंग का। रैपनिंग में क्या होता है? रैपनिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल स्टार्टर कल्चर। जो राइपनिंग की प्रोसेस होती है इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है। फर्मेंटेशन, उम्मीद है आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में डिग्रेड करने की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से इसकी प्रोसेस करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल स्टार्टर कल्चर। अब ये स्टार्टर कल्चर क्या होता है? स्टार्टर कल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं ताकि फर्मेंटेशन हो और उसके बाद में आगे की प्रोसेसिंग की जा सके। अब यहाँ पे पूरा स्टेप दिखाए गए हैं सारे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार मैं आपको डिटेल पूरा पढ़ा दूँ, मैं उसके बाद में वापस आती हूँ इस चार्ट पे। यहाँ पे आती है क्रीम की प्रोसेसिंग। अभी जो स्टेप्स हमने देखे, प्रिपरेशन ऑफ क्रीम हुआ, राइपनिंग हुआ। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले मिल्क को रिसीव किया गया, क्रीम को रिसीव किया गया। यहाँ पे दो तरीके से स्टेप दिखाया गया है, जहाँ तक हमने पढ़ लिया वहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं। क्रीम प्रोसेसिंग के बाद से वापस से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो क्या करना है आपको? मिल्क से पहले आपको क्रीम निकालनी होगी और फिर उस क्रीम को ले जाना होगा फॉर बटर मेकिंग, ठीक है। अगर आप क्रीम ही ले रहे हैं, अगर आपने मिल्क नहीं लिया है, डायरेक्ट क्रीम लिया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और फिर ले जाएंगे उसको फॉर बटर मेकिंग। यही प्रोसेस हमने अभी पढ़ी थी। अब ये जो क्रीम सेपरेशन और ये जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है, इनको करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ग्रेडिंग है, वेइंग है, सैम्पलिंग है, टेस्टिंग है। ये सारे स्टेप्स परफॉर्म किया जाता है ताकि उसका वेट और जो सैंपल है उसमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं इधर उधर का पैथोजेन आ गया, ये सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ क्रीम आ गई है, अब क्रीम को प्रोसेसिंग करनी है। क्रीम की प्रोसेसिंग में ये स्टेप्स होते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ नाम से आपको ये स्टेप्स नहीं समझ में आने वाले, इसलिए वापस आते हैं इस इमेज पे। पहले हम पढ़ लेते हैं क्रीम की प्रोसेसिंग को। क्रीम प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप होता है एजिंग। एजिंग में क्या होता है? क्रीम इज हेल्ड एट कूल टेम्परेचर्स, नॉर्मल टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर पे रखा जाता है टू क्रिस्टलाइज द बटर फैट ग्लोब्यूल्स। क्रीम को कूल किया जाता है ताकि जो बटर फैट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाए। इंश्योरिंग प्रॉपर चर्निंग एंड टेक्सचर ऑफ द बटर, इसके साथ में चर्निंग का और टेक्सचर का भी ध्यान रखा जाता है। इन द एजिंग टैंक द क्रीम इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल्ड कूलिंग। देखिएगा, कंट्रोल्ड कूलिंग होती है यहाँ पे, डिजाइंड टू गिव द फैट द रिक्वायर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब जो एजिंग टैंक होता है उसमें क्रीम को कंट्रोल्ड कूलिंग की हेल्प से उसको क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आता है अगला स्टेप जो कि है चर्निंग का। चर्निंग की प्रोसेस में क्या होता है? क्रीम इज एजिटेटेड एंड इवेंचुअली बटर ग्रैन्यूल्स फॉर्म। अब जब क्रीम को एजिटेट कर दिया गया है तो बटर ग्रैन्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, इस तरीके से बटर इकट्ठा होने लगता है, ग्रो लार्जर एंड कोलेस।
बड़े होते जाते हैं, ये छोटे छोटे से पहले बनते हैं फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं, फिर उसके बाद में एक बड़ा फैट का मास बन जाता है, और फिर ये सारी एक साथ में जुड़ जाते हैं, एक बड़ा मास बना लेते हैं। अगला स्टेप है ड्रेनिंग एंड वॉशिंग। इन ट्रेडिशनल चर्निंग द मशीन स्टॉप्स व्हेन द ग्रेन्स हैव रीच्ड अ सर्टेन साइज। कुछ इस तरीके से चीज़ों को सेट कर दिया जाता है कि जब वो अपना साइज जितना भी मशीन में आप फीड कर देते हैं, जब उतना साइज पहुंच जाता है तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। वेयर अपॉन द बटर मिल्क इज ड्रेन्ड ऑफ, और जैसे ही ये मशीन स्टॉप होती है, जो बटर मिल्क होता है जिसको कि बोलते हैं मट्ठा, वो बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। दिस वॉशिंग प्रोसेस वुड इंश्योर दैट ऑल द बटर मिल्क इज वॉश्ड आउट ऑफ द बटर। अब वॉशिंग में ये इंश्योर किया जाता है कि सारा का सारा जो बटर मिल्क है वो उसको वॉश कर दिया गया हो, बाहर निकाल दिया गया हो। अब अगला स्टेप होता है इसकी सॉल्टिंग का। सॉल्ट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द फ्लेवर एंड द शेल्फ लाइफ। जो सॉल्ट है उसका यूज किया जाता है फ्लेवर के लिए और शेल्फ लाइफ के लिए, एज इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उसको बचा के रखते हैं डिग्रेडेशन से। इसलिए आपने देखा कि जो अनसॉल्टेड बटर होता है जिसमें कि सॉल्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि सॉल्ट ही प्रिजर्वेटिव है और उसकी लाइफ को भी बढ़ाता है। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर अनसॉल्टेड बटर को रखेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि उसमें पैथोजेंस ग्रो कर सकते हैं। अब हमने ये देखा था कि चर्निंग के साथ में वर्किंग भी हो रहा था, तो चर्निंग तो हमने देख लिया था, अब ये वर्किंग क्या है। The objective of working butter is to incorporate moisture and uniformly distribute added moisture and salt in butter. Working का मतलब होता है कि जो आपने salt इकट्ठा salt add किया है और इसके साथ में ही उसमें moisture को add करना रहता है butter में, तो जो moisture add हुआ है और जो salt add हुआ है तो वो पूरी तरीके से properly distributed है या नहीं है, ये होता है वर्किंग। वर्किंग में इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि कहीं पे ऐसा ना रह जाए कि कहीं पे आपको सॉल्ट लग रहा है, कहीं पे सॉल्ट पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो तो क्रीम है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है लगभग, तो उसमें चीज़ों को मिक्स करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वर्किंग में इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सारी चीज़ें प्रॉपरली मिक्स्ड हो जाए। During this process, remaining fat globules also break up and form a continuous phase, and moisture is finally distributed to retarded bacterial growth in butter. अब ये जो working की process होती है, इसमें क्या होता है, जब ये तो mixing का काम कर रहा है ना, तो फिर इसमें जो छोटे छोटे से कुछ fat globules रह जाते हैं जो कि प्रॉपरली वो उसमें एक साथ में यूनिफॉर्म नहीं हो पाते, मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो ये उनको भी ब्रेक कर देता है, और ब्रेक होने के बाद में उनको भी कंटिन्यूअस कर दिया जाता है जो बटर बनके रेडी हुआ है उसके साथ में, और इसके साथ में ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए, रोकने के लिए इसमें मॉइस्चर को भी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेप पैकिंग एंड स्टोरेज का। द बटर इज फाइनली पैटेड इनटू शेप एंड देन रैप्ड इन वैक्स्ड पेपर। बटर को पहले क्या किया जाता है, आपको ऐसे सॉलिड मॉस के फॉर्म में तो मिलता नहीं है, आप देखते हैं छोटे छोटे से शेप में मिलता है, छोटी छोटी सी टिक्की के फॉर्म में मिलता है, तो इसको कट किया जाता है उसी शेप में। इस प्रोसेस को बोलते हैं पैटेड इनटू शेप, एंड इसके बाद में इनको बटर पेपर में रैप कर दिया जाता है। बटर पेपर क्या, वैक्स्ड पेपर होता है, इनमें वैक्स लगा हुआ रहता है, और इसके बाद में इसको स्टोर कर दिया जाता है इन कूल प्लेस। नॉर्मली एन इज मिसिंग हियर, दिस इज नॉर्मली बटर इज स्टोर्ड एट -230 to -290 degree centigrade।
बटर के स्टोरेज का आप टेम्परेचर देख सकते हैं कितना लो रखा जाता है, -230 से -290 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको स्टोर किया जाता है। तो चलिए एक बार वापस चलते हैं अपना जो डायग्राम देखा था हमने। अब ये देखिएगा क्रीम की प्रोसेसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, पाश्चराइजेशन हुआ, कूलिंग की गई, रैपनिंग एंड एजिंग हुई, सारा टाइम दे के रखा है। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन में फैट का एडिशन होता है, 30-40% तक फैट को ऐड किया जाता है। फिर जो पाश्चराइजेशन होता है ये 95-100 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है 15 सेकेंड के लिए। फिर कूलिंग में लेके आते हैं इसको 9 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर होता है राइपनिंग एंड एजिंग। अब ये जो क्रीम है वो रेडी हो गई है चरनिंग के लिए, तब इसको ले जाएंगे बटर मैन्युफैक्चर के लिए। पहले क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि बटर बना रहे हैं उसमें लोड किया जाएगा, लोडिंग ऑफ चर्न। अब ये जो क्रीम है चर्निंग से रेडी हुई है, इसी को बोला जाता है चर्न। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कलर का भी एडिशन किया जाता है इसमें। यहाँ पे जब लोडिंग होती है चर्न की, इसके साथ में ही कलर को भी ऐड कर दिया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है, इसकी चर्निंग की जाती है। दो चीज़ें बनती है चर्निंग से, बटर ग्रेन और बटर मिल्क। तो बटर मिल्क को क्या किया जाता है, इसको तो निकाल दिया जाता है, वॉशिंग कर दी जाती है, और बटर को रखा जाता है। ड्रेनिंग ऑफ वाटर, बटर मिल्क, बटर ग्रेन, फिर वॉशिंग की जाती है, फिर वर्किंग की जाती है, इसको मिक्स किया जाता है प्रॉपरली, उसके बाद में एडिशन किया जाता है सॉल्ट एंड मॉइस्चर का। अब सॉल्ट एंड मॉइस्चर के एडिशन के बाद में एक स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं फाइनल वर्किंग। फाइनल वर्किंग के बाद में ये बटर रेडी हो जाता है। अब इस रेडी बटर को क्या किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग मटेरियल में, पैकेजिंग मटेरियल हमने देखा कि वैक्स लगा हुआ पेपर होता है, या फिर पैकिंग के बाद में इसको स्टोर किया जाता है। स्टोर का टेम्परेचर होता है -230 to -290 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर इसके बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले जाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करके आप जो बटर खाते हैं, दुकानों से लेते हैं, उन जगहों पर पहुँचा दिया जाता है। अब आता है बटर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कई तरीके से होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसिडिटी ऑफ क्रीम, क्रीम की एसिडिटी के बेसिस पे तीन तरीके के बटर होते हैं। पहला है स्वीट क्रीम बटर। स्वीट क्रीम बटर मेड फ्रॉम नॉन एसिडिफाइड क्रीम, दिस इंक्लूड्स बटर इन विच नो बैक्टीरियल कल्चर हैव बीन एडेड टू इनहेंस डाई एसिटिल कंटेंट Having pH of 6.4। इसके अलावा अगला आता है माइल्डली एसिडिफाइड बटर। अब पहला जो था स्वीट क्रीम बटर, इसमें कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ऐड किया गया था, और ये नॉन एसिडिफाइड क्रीम से बना था। लेकिन जो माइल्डली एसिडिफाइड बटर होता है, ये पार्शली एसिडिफाइड स्वीट क्रीम से बनता है, और इसका pH होता है 5.2 to 6.3। अगला आता है सॉर क्रीम बटर, ये बनता है राइपेंड क्रीम से, और इसमें 0.2% से भी ज़्यादा एसिडिटी होती है, और पीएच होता है 5.1। अब अगले टाइप का बटर होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्ट कंटेंट, कितना सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सॉल्टेड बटर और एक होता है अनसॉल्टेड बटर। जो सॉल्टेड बटर होता है, बटर टू विच सॉल्ट हैज़ बीन एडेड, जिसमें कि सॉल्ट ऐड किया जाता है। अब सॉल्ट ऐड किया जाता है टू इम्प्रूव फ्लेवर एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ बटर, इसको फ्लेवर इम्प्रूव करने के लिए और बटर की क्वालिटी को सेफ रखने के लिए ऐड किया जाता है। अगला है अनसॉल्टेड बटर। This type of butter contains no salt, इसमें salt नहीं होता है। It is usually prepared for manufacturing other products such as घी and butter oil।
अभी आपने देखा था कि ये जो अनसॉल्टेड बटर होता है इसको डायरेक्टली खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तब ये क्वेश्चन आता है कि इस अनसॉल्टेड बटर का यूज़ कहाँ होता है फिर, तो आंसर यही है कि इसका यूज़ होता है घी और बटर ऑयल बनाने के लिए। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंड यूज़। अब इंड यूज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन में दो टाइप के बटर आते हैं, एक है टेबल बटर और एक है वाइट बटर। जो टेबल बटर होता है, द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम पाश्चराइज्ड क्रीम ऑब्टेंड फ्रॉम काउ और बफेलो मिल्क। अब जो मिल्क, जो क्रीम काउ या बफेलो मिल्क से मिलती है उससे ये टेबल बटर बनाया जाता है। विद और विदाउट रैपिनिंग विद द यूज ऑफ स्टैंडर्ड लैक्टिक कल्चर। लैक्टिक कल्चर क्या होते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं जिनको कि ऐड किया जाता है प्रॉपर कल्चर के लिए। इसके अलावा टेबल बटर में कॉमन सॉल्ट को ऐड किया जाता है, एनाटो और कैरोटीन एज कलरिंग मैट। कलरिंग मैटर एनाटो या कैरोटीन को यूज़ किया जाता है और फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है डाई एसिटिल। ये टेबल बटर वही बटर है जिसकी अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस पढ़ी है। अगला आता है वाइट बटर। द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम पाश्चराइज्ड क्रीम ऑब्टेंड फ्रॉम काउ और बफेलो मिल्क और अ कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विदाउट रैपनिंग। अब देखिएगा, चीज़ें तो यहाँ भी सेम ली गई हैं, काउ या बफेलो का मिल्क लिया गया है, लेकिन यहाँ पर रैपनिंग कराई गई थी, यहाँ पर इसकी रैपनिंग नहीं कराई गई है। एंड विदाउट एडिशन ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। अब इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किए जाते हैं, और प्रिजर्वेटिव में मेन क्या है? मेन प्रिजर्वेटिव होता है सॉल्ट, तो इसमें सॉल्ट का भी एडिशन नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई कलरिंग मैटर भी नहीं होता है। अब आप जो नॉर्मली खाते हैं बटर, उसका कलर हल्का सा येलो होता है, लेकिन ये जो वाइट बटर होता है इसमें कोई कलरिंग मटेरियल नहीं होता, इसलिए ये वाइट कलर का होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट भी नहीं ऐड किया जाता है। अगला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बेस में दो तरीके के होते हैं बटर, एक है पाश्चराइज्ड क्रीम बटर या पाश्चराइज्ड टेबल बटर, और दूसरा है देसी बटर। तो सबसे पहले देखते हैं पाश्चराइज्ड क्रीम बटर। दिस इज मेड यूजुअली फ्रॉम पाश्चराइज्ड स्वीट क्रीम। पाश्चराइज्ड स्वीट क्रीम से बनता है। सच बटर यूजुअली हैज अ माइल्डर फ्लेवर देन दैट मेड फ्रॉम सिमिलर क्रीम नॉट पाश्चराइज्ड। इसमें हल्का सा फ्लेवर होता है जो पाश्चराइज्ड क्रीम बटर होता है, और जो बिना पॉस्चराइज करके बनाया जाता है उसमें फ्लेवर नहीं होता है। अगला आता है देसी बटर। देसी बटर इज द बटर ऑब्टेंड बाय ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ चर्निंग दही और मलाई एज अ प्रैक्टिस्ड एट डोमेस्टिक लेवल। अब देसी बटर वो होता है जो घरों में बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा दही या जो मलाई होता है उसी को चर्निंग के प्रोसेस के थ्रू बटर निकाला जाता है, उससे वो होता है देसी बटर। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, और वहां से जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो ITLS Academy ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much for watching. Like this video, share with your friends, and also subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone again.